हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गरमा गरम और कुरकुरे आलू बड़ा नए तरीके से। तो चलेगा, किस तरीके से मैंने इन्हें बनाए हैं तो बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सामान लिया हो, जैसे कि हमने यहाँ पे अदरक लिया हो जो 2 चम्मच के करीब होगा, और 3 से 4 हरी मिर्ची ली है जैसे बिल्कुल से बारीक बारीक कट किया हुआ, बीच में से कट लगाने के बाद में से बारीक से कट किया हुआ। मीडियम साइज के प्याज को भी हमने बारीक से कट कर लिया। ध्यान रहे, प्याज हमें ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। धनिया लिया हुआ है हमने, और यहाँ पे 1 कटोरी मटर है, जो हरा मटर होता है ना वही लिया। अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो वो भी ले लीजिएगा, लेकिन इस टाइम तो हरे मटर का ही सीजन है, तो जहाँ तक वो हरे मटर ही लीजिएगा। यहाँ पे 1 केजी आलू लिए थे जिन्हें बढ़िया से बॉईल कर लिया। जब आलू बढ़िया से ठंडे हो गए तो हमने इन्हें ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद में देखिए, इस तरीके से बिल्कुल भी ये गीले नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आलू ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गीले भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, 1 केजी आलू को हमने ऐसे ग्रेट कर लिया। आप चाहो तो पोटैटो मैशर से इसे मैश भी कर सकते हैं। किया हमने पैन चढ़ा दिया, इसमें डाल देंगे हम यहाँ पे 2 चम्मच तेल। देखिए तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच जीरा। जीरा जब अच्छे से भुन जाएगा तो डाल देंगे मीडियम साइज का प्याज, जैसे बारीक से कट कर लिया है। देखिएगा, प्याज जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो डाल देंगे हम यहाँ पे हरी मिर्ची। प्याज को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है यहाँ पे, और साथ में डाल देंगे हम यहाँ पे अदरक। तो देखिएगा, हल्की आंच पे ही हमें इसे भून लेना है। इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं हमें फ्राई करना है, हल्की हल्की आँच में ही हमें इसे फ्राई कर लेना है। प्याज को हल्का सा हमें सॉफ्ट करना है बस, यानी कि इसमें जो भी पानी होता है ना प्याज में, वो हल्का सा ख़त्म हो जाए बस। इसी तरीके से हमें इसे प्याज और हरी मिर्ची और अदरक को सॉफ्ट कर लेना है। जब सारी चीज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो डाल देंगे हम यहाँ पे मटर, और मटर को भी अच्छे से करेंगे हम फ्राई, ताकि मटर भी अच्छे से इसमें पक जाए। और कुछ टाइम के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिएगा, मटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए, 1/2 चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पर हल्दी, 1/2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, ये छोटी वाली चम्मच ही डाल रही हूँ मैं। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पे धनिया पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो अमचूर पाउडर या नींबू का भी यूज भी कर सकते हैं आप। तो देखिए, इसमें 1 चम्मच हमें नमक डाल देना, क्योंकि अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था। तो 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया, और अच्छी तरह से इसे करेंगे मिक्स, और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसे पका लेंगे, ताकि इसका मसाला अच्छे से मिल जाए और हमारे जो मटर है ना बढ़िया तरीके से पक जाए। तो बस इसे 3 से 4 मिनट तक और भी टेस्टी बनाने के लिए लेंगे 1 चम्मच सौंफ, जो मैंने हल्की सी कूट ली है, दरदरी सी है थोड़ी सी, तो वो भी इस समय डाल देते हैं। 1/4 चम्मच के करीब लिए हमने हींग, हींग जरूर डालिएगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मसाला हमारा अच्छे से हो चुका है फ्राई। अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसको हल्का सा होने देंगे ठंडा। मसाला जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम डाल देंगे इसमें आलूओं के साथ में, ये देखिए। और देखिएगा, थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, और सभी चीज़ों को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स, यानी कि जो मसाला है ना आलू के अंदर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, मिश्रण को हम अच्छे से मिला दिया। हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा तेल, और क्या करेंगे, नींबू के आकार की छोटी सी हम लोइयां इस तरीके से बनाएंगे, गोलियां बना लेनी है हमें ऐसी, ये देखिएगा, बस इस तरीके की हमें गोलियां बना के तैयार कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से सारी हमने गोलियां बनाकर कर ली है तैयार। तो देखिएगा, 1.5 कप लिया है मैंने यहाँ पे बेसन। अब डाल देंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, यानी कि 1/4 चम्मच के करीब हमने लिए यहाँ पे हल्दी। 1/4 चम्मच भी हमने लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने मिर्ची इस समय डाली है तो उसी के हिसाब से हमें बैलेंस करके ही मिर्ची देना है। 1/2 चम्मच लिया हमने नमक। 1/2 चम्मच ले लेनी है हमें अजवाइन। सारी चीज़ों कर देंगे अच्छे से मिक्स, ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला है, पानी हमें एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो देखिएगा, इस तरीके से ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, देखिए इस तरीके से हमें इसका बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो देखिएगा, हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इस तरह का पैन लीजिए, कढ़ाई लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा तेल। तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाएगा, अगर सरसों का तेल ले रहे हैं तो सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी इसमें कुछ ही डालिएगा। करेंगे इस तरह का जो हमने घोल बनाया था, घोल लेंगे और एक बड़े को इसमें हम इस तरीके से डिप करेंगे। डिप करने के बाद में देखिए, और तेल में डाल देंगे बस। इसी तरीके से हमें सारे जो गोल गोल हमने पीस बना के रखे होते हैं ना, उनको डिप करेंगे और बस तेल में डाल देंगे, और एक बार में जितने हैं हमें उसमें डाल देने हैं, और अलटते पलटते हुए इन्हें सेक लेना है बस।
तो देखिएगा जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। तेल को निचोड़ते हुए आप देख सकते हैं बढ़िया से ये फ्राई हो चुके हैं, कलर भी इनका बढ़िया से चेंज हो चुका है, ऊपर से बिल्कुल कुरकुरे भी हो गए हैं। और देखिएगा मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ, आप देखेंगे किस तरीके से ये बढ़िया से अंदर से मुलायम है, और आप जब भी बनाएंगे ना पता है पूरी प्लेट ही चट हो जाएगी। तो देखिएगा इस तरीके से बना लीजिएगा और चटनी या सॉस के साथ खाइएगा। सो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।